हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट में मिलेगा आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ रहे थे हम क्या, सीरीज़ की। आज हमारी फोर्थ क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ चुका है, तीसरी जो पहली तीन क्लासेज पढ़ी है उसमें आपने क्या पढ़ा है, उसके अंदर आपने पढ़ा कि एक सीरीज़ दी हुई है, उसके अंदर एक नंबर नहीं दिया, वो आपको बताने हैं। लास्ट का नंबर पूछे या बीच का नंबर पूछे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक पर जाइए और वीडियोस को देख कर आइए, तभी ये क्लास कीजिएगा आगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली बार जब भी हम आए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपना कोर्स पूरा कर सकें। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या सीरीज़ के अंदर क्या है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं मेन तो क्वेश्चन के ऊपर है। कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप बताने की कोशिश है ताकि आप इजीली उनको एग्ज़ाम में कर पाएँ। एसएससी हो, एचएसएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम आप दें जिसके अंदर रीजनिंग आती है, वो सब के सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, सीरीज़ के जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम से लिए हैं मैंने सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, अच्छी अच्छी टाइप मिलेगी भाई साहब आपको। कैसे है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 113 है, 225 है, 449 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया और आगे क्या दिया है, 1793 दे दिया। पूछता क्या है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शंस क्या देता है। ए ऑप्शन देता है 897, बी ऑप्शन देता है 789, सी ऑप्शन देता है 987, और डी ऑप्शन देता है 978। ठीक है, ये ऑप्शंस देता है। देखिए इसके अंदर क्या है, क्या रीजनिंग लगेगी, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टाइप है, ये आपको देख के ऑब्जर्व करना। आपको पता चला 113, 225, 449 कुछ दिखाई दिया, आपने सुकेर चेक किया 121, फिर क्या हुआ 169, 144, कुछ नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, एक चेक कीजिए जो ये है 113, इसका डबल कितना होता है 226, 226 माइनस 1 225, 225 का डबल कितना होता है 450, 450, 450 से एक कम दिख रहा। क्या दिख रहा है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए थोड़ा सा। क्या बोला मैं, 113 को 225 कैसे लिखा, 113 को डबल यानी 113 इंटू दो यानी गुणा दो और माइनस एक कितना बना 226, माइनस एक कितना आया 225 आया। अब 225 से 449 कैसे लिखा, ये लिखा 225 गुणा दो माइनस एक कितना आया 225 गुणा दो 450 और माइनस एक कितना बना 449। ऐसे ही क्या करेंगे जब क्वेश्चन मार्क की बारी आएगी, क्या करेंगे 449 का डबल और एक माइनस कितना आएगा डबल 9 × 18, 4 × 8 और एक 9 और 4 × 8 और माइनस का एक कितना बना 897 कहाँ है, ऑप्शन ए में 897 है। ऐसे करना भाई साहब, ये क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में इजी स्टेप्स हैं। कैसे पता चला आपको ये क्या बना है, आपको क्या करना है, इसका डबल माइनस एक, इसका डबल माइनस एक, इसका डबल माइनस एक, इसका डबल करके जब माइनस एक करें 897 का डबल कर एक माइनस को करेंगे तो 1793 आ गया। आप करके देख लेना, 1793 नहीं आए तो आप हमें बताइएगा, हम लेकर आएंगे 1793। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, इजी स्टेप्स थे, जो स्टेप्स हैं आपके सामने हैं। ठीक है, कर लेंगे, अच्छी बात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एचएसएससी हो, एसएससी हो, कुछ भी। मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आप गलत जगह नहीं है, अच्छी जगह से आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, कर देंगे, बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार जानदार प्रदर्शन आप दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। ऐसे ही आपकी प्यार मोहब्बत बरसती रहनी चाहिए, वीडियो को देखते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज़ इन वीडियो को देखेंगे और अपना जो कैरियर है उसको सफल बनाएंगे, अपने जॉब को हासिल करेंगे। अल्टीमेट हमारा जो लक्ष्य है, हम जो पढ़ रहे हैं, जो इतनी मेहनत करें, उसका क्या है अल्टीमेट लक्ष्य, क्या हमारा
अल्टीमेट एम क्या है हमारा, हमारा एम है एक टाइप से जॉब पाना, वो भी गवर्नमेंट जॉब। ऐसे जॉब आपको प्राइवेट मिल जाएगी लेकिन उसमें क्या आपको कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का क्या होता है, क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट जॉब का, आपको कभी निकाल नहीं सकते जब तक आप रिटायरमेंट ना लें, अनलेस और अनटिल आप सस्पेंड हो जाए। एक ये कंडीशन, ये मत समझना कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई और आप कोई निकाल नहीं सकता कुछ भी करें आप, अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो सरकार आपको सस्पेंड कर देगी, ठीक है, जेल में भी डाल सकती है। इसलिए जब भी नौकरी मिले उसको पूरी मेहनत से, अपने पूरे सच्चे दिल से, अपनी ईमानदारी के साथ उस जॉब को करें ताकि इस देश का भला हो, आपका विकास हो, देश का भी विकास हो, दोनों का विकास साथ साथ होगा तभी भारत आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छी बात है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे आप, सभी बच्चे ज्ञानदार हैं, जानदार हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन में देता है 230, 246, 271 और 307 और आगे पूछता क्या आएगा 307। ऑप्शंस क्या देता है, ए ऑप्शन देता है 412, बी ऑप्शन देता है 356, सी ऑप्शन देता है 518, डी ऑप्शन देता है 612, ठीक है। अच्छी बात है, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन इतना बड़ा देखे पहले एक बार डिफरेंस चेक कर लीजिए, मोस्टली 90% क्वेश्चन डिफरेंस ही हो गया, फिर चुके ऐसे कुछ होना कुछ होगा, प्लस होगा माइनस होगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सीरीज के क्वेश्चन है, जो सीरीज बनती है ना, वो मोस्टली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड या सब्ट्रैक्शन, इन्हीं से बनती है, इनके अलावा किसे, जोड़ घटा गुणा भाग, चार चीज़ें, चारों ना चारों कैसे कैसे रिलेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा एग्जामिनर, स्क्वायर का रूल लगा दे या क्यूब का रूल लगा दे, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो बकवास क्वेश्चन है, करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है, हर एक चीज़ का रीजन होता है। पहले मैंने जब ये अक्सर लिखते, इसके बाद जो मैं लिखूंगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा, मैंने क्यों लिखा है, ऐसे अपन मन मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, एक रीजन है इसका, ये क्यों लिखा है। डिफरेंस चेक कीजिए इन दोनों के बीच का, 230 और 246 का डिफरेंस कितना बना 16, 246 और इसका 271 का डिफरेंस कितना बना है 25 बनता है क्या, चेक कीजिए 25 ही बनता होगा, और इनके बीच का डिफरेंस कितना बना, 271 और 307 के बीच का डिफरेंस कितना बनता है, चेक कीजिए कितना का बनेगा, ये शायद से 36 का बनेगा, 6 और 1 7 और 7 और 3 10 और 1 3, ठीक है। तो क्या दिखा आपको, ये दिखा आपको 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, 4 का स्क्वायर, ये क्या दिखा है, ये दिखा आपको 5 का स्क्वायर, ये क्या दिखा है, ये दिखा 6 का स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, क्या दिख रहा है आपको कि जो पहला नंबर है उसके अंदर 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, आगे वाला नंबर उसके अंदर 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, आगे कर दिया 6 का स्क्वायर, इसके बाद क्या नंबर आएगा आपको लॉजिक पता चलेगा, 4 5 6, नेक्स्ट नंबर 7, कंटिन्यू कर रहा है ये, इसके अंदर 7 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना 49, 307 में 49 ऐड कीजिए, 307 में 49 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 7 16, हासिल 1 4 और 1 5 और ये 3, 356, कहाँ पर 356, ऑप्शन बी 356। ऐसे क्वेश्चन करना भाई साहब, मैं दूर हट जाता हूँ, क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या कॉपी पर उतारना है वीडियो पॉज कीजिए उतार लीजिए। आया समझ में, क्वेश्चन था इजी, बिल्कुल इजी भाई साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, अभी और भी करेंगे। आपको क्या है, मैं इसके सीरीज के क्वेश्चन इतने करवा दूंगा, इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप आंसर क्वेश्चन को देखें, आंसर मात्र 5 सेकंड में आप लिख देंगे, कोई भी एग्जाम होगा आपका मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इस सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतने ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा दूंगा। आपने देखा भी, आप पिछले 3 वीडियो करा चुके हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम हर वीडियो में डिस्कस करें, और वैसे हम ऐसा आज की वीडियो में भी करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन की कमी नहीं रहने दूंगा मैं, ठीक है। और जो बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, पीडीएफ को बहुत जल्द मिलेगा, अभी हम उस पर काम चल रहा है हमारा, हम किसी ना किसी को हायर करेंगे, वो आपको पीडीएफ बनाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। वैसे तो रीजन करवा रहा हूँ, इसके अंदर क्या हिंदी क्या इंग्लिश, ये मैथ है, एक टाइप में मैथ ही लिख रहा हूँ, 4 5 6, इसको क्या हिंदी इंग्लिश, ठीक है, बोल रहा हूँ मैं, दोनों बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ एक बार, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ताकि दोनों बच्चों को किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को हिंदी में अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश में अच्छा लगता है, आपकी मर्जी है वो, लेकिन मैं बोल दोनों में रहा हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, नेक्स्ट चेक कीजिए क्या क्वेश्चन है, आज का थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या लिखता है,
97 लिखता है, 86 लिखता है, 99 लिखता है, 88 लिखता है, 101 लिखता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, दो दो क्वेश्चन मार्क दे दिए भाई साहब। एक क्वेश्चन कल भी किया था, आज भी आ गया फिर से ऐसा ऐसा क्वेश्चन। एक कल भी किया था जिसमें दो दो क्वेश्चन मार्क थे, दो दो वैल्यू बता दी, 88, 99। बी ऑप्शन क्या है, 90 है और 103 है। सी ऑप्शन 121 है, 108 है। डी ऑप्शन 114 है, 103 है, ये 108 है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए है। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन बनाएं। मैं तब तक क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें। इसके अंदर क्या है चेक कीजिए, 97 है, 86 लिख दिया, 99, 88, 102। आपको क्या, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बड़ा, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। रीजनिंग है, अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। दो लॉजिक बताऊंगा इसके अंदर, एक लॉजिक है वो बताऊंगा, फिर दूसरा लॉजिक बताऊंगा। दोनों से क्वेश्चन होगा, ये दोनों से क्वेश्चन होगा। कैसे चेक कीजिए, मैंने ओड इवन का आपको बताया था, कितने का इंक्रीज है, प्लस टू। यहाँ पर कितने का इंक्रीज है, यहाँ भी तो प्लस टू का है। इवन पर, ओड पर प्लस टू का इंक्रीज, इवन पर प्लस टू का इंक्रीज। ठीक है, तो आगे वाला कौन सा नंबर, यानी कि इवन नंबर, प्लस का दो ऐड किया कितना बना, 88 और दो 90 आया, और 101 और दो ऐड किया कितना आया, 103 आया। आंसर हमारा आ चुका है, बी आंसर है 90, 103। ओड पर दो का इंक्रीज, इवन पर दो का इंक्रीज, और ये लिख दिया। मैंने क्या कहा था, रीजनिंग के हजारों तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, ये पहला तरीका था। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे है, चेक कीजिए। आंसर आया 90 और 103। दूसरा तरीका चेक कीजिए क्या है, दूसरा तरीका भाई साहब अलग तरीका है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन उससे ही बनेगा। कैसे बनेगा चेक कीजिए, 97 और 86 कितने का डिफरेंस है, 11 का, यानी कि इसमें से 11 माइनस किया है, कर दिया। इसमें और इसमें क्या फर्क है, कितने का इंक्रीज दिख रहा है आपको, क्या 13 का इंक्रीज दिख रहा है आपको, 13 का इंक्रीज है क्या, अरे बोलो भाई बोलो, कितने का इंक्रीज है 13 का, 86 और 13 कितने बनेगा, 99। और 99 से जब मैं 11 माइनस कर दूंगा 88, और 88 में जब मैं 13 जोड़ दूंगा कितना बनेगा, 101 ही बनेगा या और कुछ बनेगा, यही तो बनेगा। 8 और 3 11, 8 1 9 1 10, 101। अब किसका नंबर है माइनस करने का, 101 में से माइनस 11 गया कितना बना, 101 माइनस 11 कितना बना, 100, 100 में से 10 गए यानी 90 बना। और 90 में अब किसका नंबर है, प्लस 13 का, तो 90 प्लस 13 कितना बना, 103। तो आंसर क्या बना, इससे भी आंसर यही है, वो जो पहले वाला लॉजिक था प्लस टू वाला, उससे भी वही लॉजिक है। तो समझ में आना चाहिए भाई साहब, इतना तो आपको करना पड़ेगा। इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, इससे शॉर्ट ट्रिक एक ही है, आपके पास एक दिन पहले एग्जाम आ जाए, और वो ऐसा होगा नहीं कभी भी। तो मेहनत करिए, मेहनत से मत बचिए, ठीक है, मेहनत करनी है तभी सफल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है भाई साहब, हम कराएंगे। आपको करना है कॉपी पर पेन चलाना है, कॉपी पर पेन चलेगा, ऑफिसर बनोगे, बड़ा ऑफिसर, ठीक है। लड्डू तैयार रखना, बोर्ड ऑफिसर बनने के बाद लड्डू भेज देना, एड्रेस आपको बता देंगे, ठीक है, लड्डू जरूरी है भाई साहब सिलेक्शन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 31, 155, 161 और 1127। इसके बाद पूछता है क्या आएगा, ऑप्शंस देता है, ए ऑप्शन 27, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन 35, डी ऑप्शन 2200,
चौवन क्या आएगा? देखते ही डर लगा क्वेश्चन को, लगना भी चाहिए। 9 से 27 से 31, 31 से 115, 161 क्या कर दिया, ये तो अपनी मनमर्जी से चल रहा है, ऐसे तो नहीं होता भाई साहब, ऐसे तो बात होती नहीं है, काम नहीं चलेगा। अगर आता है तो करिए इसको वीडियो पॉज कीजिए और करिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करना है। ऐसे तो भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत अलग अलग वैल्यू आ रही है, बहुत रैंडम है। 9 से 27 लिख दिया, फिर कुछ कर दिया 31 करके, फिर 115 लिख दिया सीधा ही, फिर थोड़ा ऐड करके 161 लिख दिया, फिर 1127 लिख दिया। कर क्या रहा है ये, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, इसको क्या ही दिक्कत है भाई साहब? कुछ दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने क्या सीखा है, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, प्लस 4 कर देते हैं, प्लस 5 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन इसके अंदर क्या क्या दोनों कॉन्सेप्ट को लगा दिया, एक बार मल्टीप्लाई करेगा, एक बार ऐड करेगा, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार ऐड, वो भी उससे नेक्स्ट नंबर। कैसे? 9 को 27 लिखा, कैसे लिखा? 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की, कितना आया 27। अब क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो आगे एडिशन कर दिया, 27 में 4 ऐड किया, कितना है 31। 31 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 115 है, यही बनता होगा। एक सेकंड में चेक करना, 115 है या 155 है ये, एक सेकंड भाई साहब, प्रिंटिंग मिस्टेक मिली, क्या मिली, यहाँ पर 155 है भाई साहब, ये 155 है क्योंकि मल्टीप्लाई इसके 155 आती है, ये कितना है 155। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, टिक कर लेना, क्या है प्रिंट करते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, ऊपर नीचे चलेगा भाई साहब, इसको 155 कर लेना, 5 से मल्टीप्लाई 155। अब किसकी बारी आई, 155 में एडिशन की बारी आई, किसके, 3, 4, 5 और 6, 161। अब क्या करेंगे, अब की बार मल्टीप्लाई की बारी है, किसके साथ, 7 के साथ, कितना आएगा 7 और 6 7 42, 4 7 और 4 11, 1127 ही लिखा ना लास्ट वाला, अच्छी बात। अब किसकी बारी आई, एडिशन की, एडिशन ऐड करना, किसका, 3, 4, 5, 6, 7, क्या नंबर आएगा आगे 8, कितना बना 1135। कौन सा ऑप्शन है 1135, दिया ही नहीं 1135 तो इसने ऑप्शन क्या कर दिया इसने भाई साहब, फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक भाई साहब, पहला ऑप्शन 1135 दिया है, ये ऑप्शंस तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिख गया, जो ऑप्शन लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिख गया मैं, पहला ही ऑप्शन 1135 था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है भाई साहब। मैं जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे, क्वेश्चन में और लिख गया और ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख गया, तो ठीक कर लेना, यहाँ पर 1135 था। आया क्वेश्चन समझ में, प्रिंटिंग मिस्टेक थी भाई साहब, ये छोटी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। आप तो पेन के साथ लिख रहे हैं, मैंने तो ये पेन के साथ मैंने भी लिखा, मैं कौन सा प्रिंट करवा के लाया, तो इसको ठीक कर लेना आप, ये थोड़ा गलती थी, ये चेक कर लेना। कैसे किया ये, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 ऐड, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 6 ऐड, फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 8 ऐड, ऐसे अगर आगे करना होगा 9 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 10 ऐड, फिर 11 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 12 ऐड, फिर 13 के साथ मल्टीप्लाई, 14 ऐड, ऐसे एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई, आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए, सभी को ऑफिसर बनना है, बनाएंगे भाई साहब, मेहनत करिए, हम कर रहे हैं, आप करिए, आपकी मेहनत कितनी है, आपको डेली आकर वीडियो देखनी है और एक लाइक करना है, बस इतनी मेहनत है, आप ऑफिसर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा जल्दी करते हैं, 3 है 15 है, क्वेश्चन मार्क है 63 है और 99 है और 143 है, तो इस पर पूछता क्या आएगा, जो पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन लिख गया था, वो क्वेश्चन के ऑप्शंस अब हैं, क्या ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस है, ए है 27 है, बी है 45 है, सी है 35 है और डी है 56 है। चेक कीजिए भाई साहब क्या किया इसने, चेक कीजिए क्या किया इसने, क्या रीजनिंग लगाई है, कुछ नहीं रीजनिंग लगाई। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 3 गया 36, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 4 और 4 ही आएगा, 44 आएगा क्या, यही आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, इससे पहले वाला क्या होगा, 8 का डिफरेंस उसके अंदर मिलेगा, यही तो मिलेगा ना, या और कुछ मिलेगा, 8 का डिफरेंस लग रहा है मेरे को, तो देख लेते हैं क्वेश्चन, हाँ 36 का है, 44 का है,
तो इसके अंदर क्या है, मैंने कोई नंबर तो नहीं छोड़ा ना, नहीं छोड़ा, ये 8 का डिफरेंस इधर होगा और जो इसका इसके साथ डिफरेंस होगा वो भी 8 का डिफरेंस होगा। 36 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 36 में से 8 गया 28 आया, और यहाँ पर कितना आएगा, ये तो 28 का डिफरेंस किस किस का हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 28, ठीक है। और इन दोनों के बीच का कितने का डिफरेंस होगा, ये 28 है तो 28 में से 8 गया तो प्लस 20 का, ठीक है। जो 8-8 का डिफरेंस है ये पता चल गया होगा आपको कैसे किया है, इधर भी तो 8 का डिफरेंस, 20 और 28 में भी तो 8 का डिफरेंस है, आई बात समझ में, ऐसे ही करना भाई साहब। तो ऐसे क्या बनेगा, 15 प्लस में 20 कितना बना, 35। अब चेक कर लीजिए, 35 के अंदर अगर मैं 28 जोड़ता हूँ कितना बनेगा, 63 बनेगा या नहीं बनेगा, बोलिए बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा 63 बनेगा, ऐसे करना है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। जल्दी करते भाई साहब, टाइम नहीं है हमारे पास, पेपर पास में लग रहे हैं, क्या करें, कराना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है 3 है, 28 है, 4 है, 65 है, 5 है लिख दिया, 126 लिख दिया, 126 लिख दिया, और 6 के बाद पूछता क्या आएगा, क्या ही ऑप्शन है, ऑप्शन है ए ऑप्शन है 215 है, बी ऑप्शन है 216 है, सी ऑप्शन है 217 है, या डी ऑप्शन है 218 है, क्या क्या, मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ। अगर आपको वीडियो, मतलब आपको क्या है क्वेश्चन खुद करने हैं तो वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। कैसे किया है, 3 को 28 लिख दिया, कैसे लिख दिया, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 3 9 27 और 1 28 बन गया, और फिर क्या किया इसके अंदर 4 के साथ 65 लिख दिया, 4 को 65 लिख दिया, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 और 1 65 बन गया ये, और 5 का 126 लिख दिया, कैसे, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब कितना 125 और 1 126, 6 को क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब कितना 216 और प्लस में 1 कितना बना 217, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऐसे करना, क्यूब में 1 ऐड, क्यूब में 1 ऐड, क्यूब में 1 ऐड, क्यूब में 1 ऐड, आगे क्या लिखेंगे, जैसे 3 से 4 लिखेंगे, 4 से 5, 5 से 6, 6 के बाद क्या आएगा, इस यहाँ तो 217 आएगा, उसके बाद 7 का क्यूब 343 प्लस 1 344 आ जाएगा, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं भाई साहब, कर देंगे, अच्छी बात है। आगे देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। नेक्स्ट क्या देता है, नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ क्या देता है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ हर सीट में मेरा एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कोई भी टीचर पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं कराएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन कराने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ जिगरा चाहिए, जिगरा, वो भी बड़े वाला जिगरा, तो जो हमारे पास कोट कोट कर भरा है। चेक कीजिए क्या किया इसने इस क्वेश्चन के अंदर, कोई भी टीचर देखेगा तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, बच्चों के तो फूलेंगे, टीचर के भी हाथ पांव फूल जाएंगे, क्यों, क्वेश्चन ही ऐसा है। अब चेक कीजिए, ए है 1369, बी ऑप्शन है 6931, सी ऑप्शन है 1963 और डी ऑप्शन है क्या 3961, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चेक कीजिए कैसे करेंगे, क्या इसके अंदर रीजनिंग लगी और कैसे एक कर रहा है, पता चला कुछ नहीं, पता चला होगा, चेक कीजिए, इनको चेक कीजिए, इनको चेक कीजिए, इनको चेक कीजिए, लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिए, यूनिट प्लेस इकाई का इनको छोड़ दीजिए, वो तो एक ही रहेगा, वो मैं लिख भी देता हूँ, यूनिट प्लेस अपना एक आएगा, क्यों, हर एक में एक है, एक है, एक है, एक है, वो मैंने लिख दिया, लिख देंगे तो चेंज क्या यहाँ पर आएगा, चेंज आएगा इधर, इसने क्या 369, इसने क्या 3 को लास्ट में लिखा, यानी एक नंबर ऐसे, सरकार है ये, सरकार है क्या, सरकार है, जो अपन 1000 का जो अंक था वो अपना दहाई पर आया, और जो दहाई का अंक था वो सैकड़े पर, सैकड़े का अंक अपन 1000 पर, एक एक अंक ऐसे सरकार है वो, और जो पीछे वाला आगे ला रहा है, 3 को कहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया, 6 को कहाँ, आगे लिख दिया, और 9 को कहाँ लिख दिया, ऐसे एक एक अंक आगे सरकार है, ऐसे इधर करेगा, क्या किया 9 को, 9 को कहाँ ले गया, बिल्कुल पहले ले गया, और जो 3 था उसको दूसरे नंबर पर, जो 6 था पहले नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर चला गया, ऐसे इधर क्या क्या किया है, इसको 9 को कहाँ ले गया, बिल्कुल पहले नंबर पर ले गया, या पहले को तीसरे पर ले गया,
दूसरे को, जो दूसरे को है उसको पहले पर कर दिया और जो तीसरा था उसको दूसरे पर कर दिया। आया समझ में? ऐसे इधर करना, क्या करना है, ये क्या बनेगा, हम लिख देंगे इसको 6 9 3 और बाद में वन तो है ही अपना, 6 9 3 1 ऑप्शन बी। ऐसे ये क्वेश्चन करना है, आया लॉजिक समझ में? सिर्फ यह क्या डिजिट का हेरा बदली करिए, फिर हेरा बदली आप सीख लेंगे, कर देंगे हेरा फेरी, अच्छी बात है, कर दी हेरा फेरी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, अच्छे बच्चे हैं सभी, वीडियो को लाइक करके जाएंगे जो भी अच्छा बच्चा है, जिसको भी हरियाणा में जॉब लेनी है या सीजील के अंदर जॉब लेनी है वो लाइक करके जाएंगे, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी भाई साहब, हम बद्दुआ दे देंगे, बद्दुआ देने नहीं चाहते, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, बदमाश हो गए हैं, पढ़ते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करके जाया करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप कम से कम कमेंट करके बताएं, तो ये सर ये बात समझ में नहीं, ऐसे कीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बोलिए, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, लाइक तो करके जाओ भाई साहब। क्या क्वेश्चन अगला? 48 24 96 48 192 और पूछता क्या आएगा, ऑप्शंस क्या दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है 98, बी ऑप्शन दिया है 90 का, सी ऑप्शन दिया है 96 का, डी ऑप्शन दिया है कौन सा 76 का, इसके अंदर क्या किया है चेक कीजिए, रीजनिंग क्या लगाई है इसके अंदर, हमने क्या पढ़ा है, या तो मल्टीप्लाई पढ़ी किसी नंबर के साथ या उससे नेक्स्ट नंबर के, जैसे 3 से मल्टीप्लाई अगला 4 से फिर 5 से, या डिवाइड पढ़ा 6 से डिवाइड 7 से डिवाइड 8 से डिवाइड या 5 से डिवाइड 4 से, ऐसे डिवाइड करना सीखा है, लेकिन इसके अंदर क्या किया इसने, इसने कर दिया डबल काम, कैसे 48 को पहले किया 2 से भाग, कितना आया अब 24 आ गया, 24 को क्या किया है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, इसने सीधा ही 4 पे ले गए, 4 से मल्टीप्लाई करेगा कितना बना दिया 96 कर दिया, 96 का फिर से हाफ कर दिया कितना बना 48, और अब आगे क्या करेंगे 48 का आधा तो कर दिया इसने 4 टाइम कर दिया, कितना बना 4 टाइम 800 का 32, 3 4 चौके 16 और 3 19, 192 तो है इधर, और अब क्या करेगा 192 का हाफ कर देगा, 192 का हाफ क्या बना दोनों में 18 और 2 छके 12 96, कौन सा ऑप्शन 96 अपना सी ऑप्शन, ऑप्शन सी 96, 96 आया समझ में, अच्छी बात है, शानदार भाई साहब शानदार, जान लगा देंगे, जान वो नहीं कि मर जाए, नहीं वो जान नहीं लगाएंगे हम, जान पढ़ाने में लगा देंगे आपको, पूरा 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 सपोर्ट करेंगे, आप हमें कीजिए, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, अच्छी बात है, अपने अंदर क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, चेक कीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 दे दिया, 10 दे दिया, 101 दे दिया, और इसके बाद पूछता क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, ऑप्शन देता है 10101, बी ऑप्शन देता है 11012, सी ऑप्शन देता है 10202 और डी देता है 10201, ठीक है, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, करिए उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल से स्क्वेयर करना, एक ऐड करना, कैसे, ऐसे भाई साहब, यहाँ देखिए 3 को 10 लिखा, यानी 3 का स्क्वेयर प्लस 1, 3 3 9 1 10, 10 को 101 लिख दिया, कैसे लिखा इसने 10 को 101, क्या कर रहा है ये, 10 का स्क्वेयर जमा 1, 100 जमा 1 कितना बना 101, अब क्या करेगा ये 101 का स्क्वेयर प्लस 1, 101 का स्क्वेयर 10201 स्क्वेयर ऐड कीजिए, मेरे को याद है आप लिख लीजिएगा 101 का स्क्वेयर 10201 कितना आएगा 10202, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन, उड़ा दिया, उड़ाना ही था, बच्चे वाला क्वेश्चन, बच्चे वाला, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये तो भाई सब बच्चे वाला क्वेश्चन मैंने डाल दिया, क्यों डाला मुझे खुद नहीं पता, इतना बच्चे वाला क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा देंगे इसको, तो कैसे उड़ा देंगे देखिए, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्या क्वेश्चन है 44 है, 56 है, 69 है, 83 है, और आगे क्वेश्चन मार्क भी दे दिया, और
44 दे दिया, ये दिया है और पूछा क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ऑप्शंस क्या दिए हैं। ए ऑप्शन दे दिया 90, बी ऑप्शन दे दिया 98, सी ऑप्शन दे दिया 100 और डी ऑप्शन दे दिया कितना 110। क्या किया इसने, क्या प्रॉब्लम आई, कर नहीं सकते क्या आप इसको? क्या बताया था पहले डिफरेंस चेक कीजिए, कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस, आगे कितने का डिफरेंस होगा, 15 का होगा, तो 83 में 15 को ही तो जोड़ना है, जोड़ दीजिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 98, 98 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन 98 कर दिया, आया समझ में। अब अगर आपको देखना सही है 15 किया था 98 आया, अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूंगा यानी आगे क्या गई तो 16 बन के 144 बना है, 16 ऐड करके देखिए क्या बनेगा, 16 ऐड किया इसके अंदर 198, 16 ऐड कीजिए 8 और 6 14 1, ये 124 मिलेगा, 144 नहीं मिलेगा, ये 124 मिलेगा। ये मैं देख लेता हूँ एक बार, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ ये 124 है ना कि 124 है। ऐड कीजिए 9 1 10 और 1 144 भी नहीं, 124 भी नहीं, 114 है। ये इतनी बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे करती भाई साहब, ये बुक वाला भी ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छापते हैं वो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं भाई। ठीक है 9 और 1 10 और 1 12 कितना बना, 9 और 1 10 और 1 12 124 ही बनेगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी भाई साहब, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है ऐसे क्वेश्चन करने हैं, आया समझ में। चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा, समझ में आना भी चाहिए, ईजी था। अच्छा तो एक बात है, एक अनाउंसमेंट है, क्या अनाउंसमेंट है कि जिस तरह हमने पिछले संडे कलर का एग्ज़ाम किया था, कौन सा एग्ज़ाम किया था, 21 सितंबर 2019 को जो इवनिंग में हुआ था वो एग्ज़ाम किया था, अब की बार क्या है इस संडे को क्या ला रहे हैं हम, 22 को जो एग्ज़ाम होता सुबह मॉर्निंग में वो मैं लेकर आ रहा हूँ, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, रीजनिंग मिलेगी, हरियाणा जीके मिलेगी, वो मैं कराऊंगा, बाकी रिस्पेक्टिव टीचर आपको कराएंगे। ठीक है तो संडे को देखना ना भूलें वो हमारी वीडियो, सबसे बढ़िया वीडियो हमारी वही है, क्यों बढ़िया हुआ, उसके अंदर आपको पूरी रीजनिंग का एक रिवीजन मिलेगा, आपको उसके अंदर इतनी मेहनत नहीं लगेगी, आपको अलग अलग से वीडियो देखनी पड़े, एक के अंदर सब कुछ आपको कंबाइन मिलेगा। ठीक है चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।